किसानों का एक तरीके से खुशी का ही दिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो 12 महीने से इनका दिमाग विदेश यात्रा पे था और विदेश में जाके ये कोमा में फंस गए। अगर कोमा में नहीं होते तो पहले ही मान लेते। जब ये वापस आए, कोमा से निकले और इन्होंने एकदम अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई किसानों, हम तो पहले से ही राजी थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो काले कानून लाए हैं वो वापस ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते। खबर सच्चाई के साथ। कृषि सुधार कानून रद्द होने की घोषणा के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान किया वितरण। बरेली के नवाबगंज में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर अपने कार्यालय पर मिष्ठान का वितरण किया। उन्होंने बताया कि वह इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि सुधार कानून को रद्द करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री को चुनाव के समय याद आया कि किसान उनसे नाराज हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इस अवसर पर किसान नेता चंद्र प्रकाश उर्फ पप्पू गंगवार, हीरा लाल गंगवार, राम रतन, सरदार करतार सिंह समेत भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए एवन न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हम नहीं किसी से भीख मांगते। बाबा तेरी ताना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी ताना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ताना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जय जवान, जय किसान। जानना चाहेंगे आज जो मिठाइयां वितरण कर रहे हैं किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? इस उपलक्ष्य में कर रहे हैं कि 14 महीने से किसानों पर जो एक 3 काले कानून लादे गए और 12 महीने किसानों को 26 नवंबर को 12 महीने किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों पर हम लोग थे, मतलब किसान यूनियन के वहां पर थे, और कल गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर जो हमारे प्रधानमंत्री को होश आया 14 महीने बाद, 12 महीने तक हम लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर रहे और 700 किसान लगभग शहीद हुए, उन पर एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। 11-12 बार की वार्ता भी हुई तब भी कोई हल नहीं निकाला, और इन्हें दिखाई पड़ा कि अब 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव का असर बहुत गंभीर होने जा रहे हैं, किसान बहुत नाराज हैं। लिहाजा इन्हें अपनी समझ लगाकर और जो इनका दिमाग था कि ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, और जो जो कहा किसानों को कल अपने संबोधन में किसान भाई, और क्या क्या कहा, बड़े अच्छे शब्दों में इन्हें, मतलब हम लोगों को संबोधन, किसानों को संबोधन किया और 3 बिल वापस की घोषणा की कि अगले जो 29 में शीतकाल अधिवेशन चलेगा इससे तत्काल पहले ही उसमें वापस ले लेंगे। तो आप, क्या किसान खुश हैं? किसान इससे अभी खुश नहीं है क्योंकि MSP पे अभी कानून नहीं बनाया, जो गारंटी कानून, और कई एक बिल हैं जो, और जो किसानों पर ज़बरदस्ती लादे गए हैं। अभी तो 3 कानूनों की बात चली, ये वापसी की बात कर रहे हैं, बाकी MSP है और शील्ड पर है, बिजली पर है, ये कई कानून ये किसानों के विरोध में लाए। हमारे टिकैत जी कह रहे हैं जब तक इन सब पर बात ये घोषणा की है, बहुत बढ़िया बात है, कुछ राहत मिली है किसानों को, अभी पूर्ण राहत किसानों को नहीं मिल पाई है, जब तक ये बात पूरी नहीं होगी तब तक किसान वहाँ पर
तो आप क्या मान रहे हैं कि किसानों की बात मानी है या फिर ये चुनावी स्टंट? नहीं, ये किसानों की बात भी मानी है और चुनावी भी अगले मतलब दिखाई पड़ा है कि किसानों को कैसे खुश किया जाए। 14 महीने से हम 12 महीने से दिल्ली पर बॉर्डरों पर हम घर छोड़कर बैठे हैं, हम किसान यूनियन के और पूरे किसान, लिहाजा ये दोनों इन पर दबाव बने, क्योंकि इनकी मानसिकता ये थी कि किसान हैं क्या, हमें ना हरा सकते हैं ना जिता सकते हैं, लिहाजा इन्हें दिखाई पड़ गया उपचुनाव से। लखीमपुर को लेकर इन्होंने जो आश्वासन दिया था वो क्या इन्होंने पूरा किया है? अब लखीमपुर में भी इन्हें आश्वासन दिया है, इस पर कोई भी वो नहीं किया गया, क्योंकि जो अजय टैनी थे उनकी बर्खास्तगी भी नहीं की गई है। इसी को लेकर 22 तारीख को लखनऊ में एक महापंचायत हो रही है और कई मुद्दे यूपी सरकार के हैं और केंद्र के भी हैं जो हम लोगों को किसानों को ज़बरदस्ती लादे जा रहे हैं। और जब तक अजय टैनी की बर्खास्तगी और वो नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मैं हीरालाल गंगवार, भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष। आज आप जो है मिष्ठान का वितरण कर रहे हैं तो माना जा रहा है किसान इससे काफ़ी खुश है? हाँ, खुद तो क्या, आज किसानों का एक तरीके से खुशी का ही दिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 12 महीने से इनका दिमाग विदेश यात्रा पे था और विदेश में जाके ये कोमा में फंस गए। अगर कोमा में नहीं होते तो पहले ही मान लेते। जब ये वापस आए कोमा से निकले और इन्होंने एकदम अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई किसानों हम तो पहले से ही राजी थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो काले कानून लाए हैं वो वापस ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते जब तक इनका पूरा लिखित में नहीं मिल जाता है, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। यह संसद में पास होगा, संसद में जैसे बिल लाए गए वैसे ही ये बिलों को रद्द किया जाएगा। जब पूरे कागजात तैयार हो जाएंगे तब किसान मानेगा, और उसके बावजूद भी बहुत मुद्दे हैं। और इसी तरीके से अगर ये सरकार किसानों का उत्पीड़न करती रही तो किसान तो जाग गया, अब वो हमेशा इस तरीके की अपनी आवाज़ को उठाता रहेगा। और अगर सरकार किसानों का हित चाहेंगे तो हम लोग सरकार का भी जो है सम्मान करेंगे। तो क्या किसानों को किसानों की मान्यता मिल गई है, खालिस्तानी पाकिस्तानी जो उन्होंने कहा जा रहा था? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिली है। अभी तो हम लोग जो है कीड़े मकोड़ों में, जैसे उन्होंने कहा ये अशब्द किए थे कि आप खालिस्तानी है पाकिस्तानी परजीवी हैं, तो परजीवी एक कीटाणु को कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने संज्ञा दी। तो हम भी उन्हें कहते हैं कि मोदी जी आप तो परजीवी से भी बेहतर हैं, आप जो नाग बन के निकले हैं, आपको नेवला बन के आपका फन काट के एकदम जो है धूल में मिला दिया जाएगा। आपकी जो मांग थी कृषि के बिल वापस लेने की वो तो पूरी हो चुकी है? नहीं नहीं, नाराज क्यों है? हाँ, अभी नहीं मांग पूरी हुई है भाई, उसको लिखित में हमें मिल जाए, MSP मूल हमारा गारंटी हो जाए। बाकी हमारे और भी मुद्दे हैं, 14 दिन का किसानों का गन्ने का पेमेंट आ जाना चाहिए, वो 14 महीने में भी नहीं हो पा रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है सारे मुद्दे अभी हमारे किसानों के सरकार पे वाजिब हैं। जब तक ये किसान के मुद्दे सही नहीं हो जाएंगे, सरकार उनको जो है वापस नहीं लगी, तब तक हमारा किसान आंदोलन करता रहेगा। तो जो मिठाई आप बांट रहे हैं वो किस को लेके बांट रहे हैं? हाँ, ये तो इसलिए बांट रहे हैं कि हमारा जो किसान है, जो उसके लिए एक खुशी की लहर इसलिए है कि उन्होंने जो घोषणा की और घोषणा के बाद हम समझते हैं कि हमारे कुछ तो लड़ाई हमारी हासिल हुई है। लखीमपुर को लेके ये ध्यान इस पर क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, लखीमपुर के लिए इसलिए है, लखीमपुर में जो दंगा फसाद हुआ था, हमारे किसान मारे गए थे, इनको इन्होंने उस समय करंटली ये जवाब दिया था कि हम हर इनके परिवार में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, इनको हम मुआवजा देंगे और अजय टैनी के लिए बर्खास्त करेंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, ना उनके परिवारों को नौकरियां मिली, ना उनके लिए मुआवजा मिला और ना ही अजय टैनी की बर्खास्तगी हुई। तो किसान उनकी जो हमारे किसान शहीद हुए थे उनकी शहादत को कभी भूलेंगे नहीं, और आज भी हिंदुस्तान के किसान के हृदय में वो लखीमपुर की घटना का आज भी ज्वाला भड़क रही है, वो कभी बुझेगी नहीं। खबर सच्चाई के साथ।